सब खैरियत से होंगे और अपना बहुत सा ख्याल रख रहे होंगे। और आप लोग सोच रहे थे ना कि कोई एक और एपिसोड आने वाली है वेडिंग सीरीज़ की, तो स्टे ट्यून्ड, वो ज़रूर आएगी। एक्चुअली मेहंदी का फंक्शन आप लोगों को पता है कि काफ़ी लंबा चलता है, तो उसकी वीडियो भी काफ़ी लंबी होने वाली है। सो कीप वॉचिंग माई चैनल। और ये है कि आज मैंने सोचा, काफ़ी टाइम हो गया आप लोगों से कोई चिट चैट नहीं की, कोई मेकअप वीडियो नहीं की, तो ये ना हो कि आप लोग बोर हो जाएं, तो फिर मैं क्या करूँगी। इसलिए मैं आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक बिल्कुल ब्रांड न्यू वीडियो लेके, जिसमें हम आज करेंगे मेकअप। जी हाँ, और गर्मी आ गई है वाह कोई तगड़ी, और कराची में तो बहुत गर्मी हो रही है। आई डोंट नो बाकी सिटीज़ का क्या हाल है, लाहौर में भी आई थिंक थोड़ा सा मौसम सही है, मतलब 50-50 चल रहा है। तो जनाब, अगर आप यूनिवर्सिटी जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, या फिर समर्स में आप पिकनिक वगैरह ज़्यादा करते हैं, तो डोंट वरी, मैं आ गई हूँ आपके सारे मसालों का हल लेके। तो मेरी स्किन भी काफ़ी ऑयली हो गई है आफ्टर मूविंग टू कराची। तो ऑयली स्किन वाले हमेशा रहते हैं परेशान कि हम मेकअप कर लेंगे, इतना पहले धूप है तो वो क्या ऑयली बांदर बन जाएंगे, तो क्या करें हम, तो लोग हैं परेशान। इसलिए मैं आज शेयर करूँगी आप लोगों से अपनी एवरीडे मेकअप लुक फॉर समर्स। सो गेट रेडी। और हाँ, ये देखो मैंने बाल डाई कराए, कैसे लग रहे हैं? ये मैंने करवाए हैं रोज़ ब्यूटी पार्लर, जो कि मेन तारिक रोड के ऊपर है, एंड आई लव देयर सर्विसेज। मुझे बहुत मज़ा आया, स्टाफ बहुत अच्छा है, बहुत फ्रेंडली है, बहुत कोऑपरेटिव है। और हेयर कट मैंने लिया है पैंग सैलून से, मैंने जो हैं वो मैंने एंगुलर बॉब करवाया है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी और बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट टू हैंडल है। अगर आप लोग हाउस वाइफ्स हैं तो प्लीज़, और अगर आप लोग बाल बांध के रखते हैं तो प्लीज़ डोंट गो फॉर इट। मैंने ले तो लिया, बस इसको हैंडल करना बहुत मुश्किल है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मेरे बाल फ्रिजी और कर्ली और वेवी से हैं। सो अब एक बहुत बड़ा टास्क है इनको संभालना। तो ज़्यादा बातें इसलिए कर रही हूँ क्योंकि बहुत टाइम हो गया यार आप लोगों से बातें किए बगैर किए हुए बहुत टाइम हो गया है, और मुझे क्रेविंग हो रही थी कि मैं आऊं और आप लोगों से कोई भी चिट चैट वीडियो शेयर करूं। सो बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करते, जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले समर्स में आपको अगर अपनी स्किन प्रोटेक्ट करनी है, यू हैव टू यूज सनब्लॉक। सनस्क्रीन्स बहुत सी कंपनीज के, बहुत से ब्रांड्स के बहुत अच्छे अच्छे हैं। मिनीसो का मैंने यूज़ किया था, इट वॉज ओके, 50-50। न्यूट्रोजिना का सनब्लॉक इज ऑसम। और मेरी, क्योंकि स्किन की डॉक्टर ने मुझे सनकोट जेल प्रिस्क्राइब किया हुआ है, तो मैं वही यूज़ करती हूँ, मेरी स्किन को वो सूट भी करता है। सबसे पहले आपने अच्छे से ठंडे पानी से मुंह वॉश करके, किसी भी अच्छे फेस वॉश से, जो कि मैं कर चुकी हूँ, उसके बाद आपने सनकोट करना, मतलब सनस्क्रीन लगा लेना है, जो कि मैंने लगा लिया है। सबसे पहली शिकायत ये होती है गर्मियों में कि हमारी स्किन पे ऑयल बहुत जल्दी आ जाता है। मेरी स्किन भी थोड़ी सी ऑयली है, इसलिए बहुत ज़्यादा मेकअप की तरफ हम नहीं जाएंगे। मिनिमल प्रोडक्ट्स के अंदर रहते हुए हम ज़्यादा अच्छा लुक कैसे क्रिएट कर सकते हैं, वो आज हम करेंगे। तो जनाब, सबसे पहले हम यूज़ करेंगे ये मैट फ्रेश 24 आवर मैट कवर लॉरियल पेरिस की, ये वाली बीबी क्रीम, जो कि सुपर डुपर टूपर कमाल की है ये। और ये आप किसी भी फेसबुक पेज से, मैग गैलरी, एडोर और भी अच्छे अच्छे हैं काफ़ी वेबसाइट्स, जहाँ से आप लोग ये ऑर्डर कर सकते हैं, और 110% ओरिजिनल प्रोडक्ट आपको मिलेगी। तो जल्दी से शुरू करते हैं, आपने बहुत ही कम प्रोडक्ट यूज़ करनी है, बहुत कम, क्योंकि गर्मी है। सबसे पहले मैं ये अपना दाना छुपाऊंगा, गर्मी आ गई है और अपने साथ एक्ने का तोहफा लेके आएगी। सो गाइस, गेट रेडी फॉर एन एक्ने ब्रेकआउट। आप लोग प्रोडक्ट जितनी कम रखेंगे मिनिमम, उतना अच्छा और फ्रेश और नेचुरल लुक आएगा। और बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट यूज़ कर लेंगे, देखो हम किसी शादी में नहीं जा रहे ना,
इसलिए लेस प्रोडक्ट जो जो प्रोडक्ट्स मैं यूज़ करूँगी उन सब की इंफॉर्मेशन जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, सो यू गाइस कैन इजीली ऑर्डर। आप लोग चाहें तो आप हाथ से भी मर्ज कर सकते हैं। स्पॉन्ज पे अगर हम यूज करें तो सारा प्रोडक्ट जो है वो स्पॉन्ज पे लग जाता है तो कोई फायदा नहीं होता। वो जब हम बहुत ज्यादा कोई बेस वेस अच्छी खासी बना के किसी शादी में जाएं तो उसमें आप स्पॉन्ज यूज करें, अदरवाइज ब्यूटी ब्लेंडर यूज करें, अदरवाइज ये सही है। और मुझे तो ज्यादा मसला नहीं होता, मैं तो हाथ से भी, और जितना अच्छा बेस मर्ज जो है वो हाथ से होता है ना, अगर आपको प्रैक्टिस है तो। If your skin is oily, you should go for matte finish or powdery products instead of oily and liquidy products. क्योंकि जब आपकी स्किन ऑलरेडी ऑयली है और ऊपर से आप ऑयली और लिक्विडी कोई बेस वेस लगा लेते हैं तो वो बस 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर बस आप एक चक्कर लगा के आएँ कहाँ का कहीं कभी डॉलमेन मॉल का चक्कर लगा के आएँ और आप बह रहे होते हैं। लिटरली मैंने लेडीज़ की बेस और मेकअप बहता हुआ देखा गर्मी में, तो इसलिए बस आपने थोड़ा सा चूजी हो जाना है अपना मेकअप सेलेक्ट करने में। शेड नंबर है जनाब, कहाँ लिखा होता है यार, 145 बेज रोज। सो बेज इज माय कलर, यू कैन ऑर्डर अकॉर्डिंग टू योर स्किन कलर, एवरी कलर इज ब्यूटीफुल गर्ल्स। अब मैं ये वाला पाउडर यूज करूंगी, एक फ्लफी सा ब्रश लेके हमेशा की तरह डस्टेड ऑफ द एक्स्ट्रा प्रोडक्ट एंड ये देखिए, जस्ट टेक अ क्लोजर लुक, कितने अच्छे से जो है मर्ज हो चुका है मेरी स्किन के साथ। अच्छा जी, दिस इज ऑप्शनल, जैसे मेरे कुछ डार्क सर्कल्स हैं तो मुझे कंसीलर यूज करना पड़ता है। अगर आप लोगों के डार्क सर्कल्स नहीं है तो दिस इज इनफ फॉर यू गाइज, अदरवाइज यू कैन यूज दिस रेवोल्यूशन का, ये मेरा फेवरेट कंसीलर है एंड इट्स डेडली, मतलब बहुत ही कोई अखीर। और मैं इसको सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा और यहाँ पे यूज करूंगी। माई हस्बैंड वॉज कॉलिंग मी ड्यूरिंग दिस वीडियो, सो बात हो गई है मेरी। तो बहुत कम कम आपने यूज करना है, जस्ट हेयर एंड हेयर एंड दैट्स इट, अ लिटिल बिट हेयर। Anything. Just to hide. ये मुझे पहले लगाना चाहिए था बट आई फॉरगॉट टोटली, फिर मैंने कैमरे में देखा कि मेरे काले काले जो बेले हैं वो नजर आ रहे हैं, तो मैंने सोचा कि चलो यार कोई ना, डे लाइट में वीडियो शूट करने का अपना ही मजा है। आज मुझे लकी थोड़ा टाइम मिल गया तो मैं इस वक्त आ गई, अदरवाइज मेरी वीडियोज इंडोर रात के टाइम होती हैं जब मैं फ्री होती। सो अब इसके ऊपर हल्का सा जो है मैं दोबारा से थोड़ा पाउडर वो कर लूंगी ताकि पैची लुक ना आए और इक्वल हो जाए। तो मैंने प्रोडक्ट इतनी कम यूज की है कि वो होगा नहीं बिल्कुल भी ऐसा, बट स्टिल और डे लाइट में इसलिए वीडियो शूट कर रही हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो कि डे लाइट में नेचुरल लुक कैसे रखना है। समटाइम्स ऐसा होता है हमारे रूम में लाइट इतनी कम होती है और हम मेकअप करके जब बाहर जाते हैं तो हम भूत लग रहे होते हैं, तो इसलिए जब भी आप मेकअप करें कोशिश करें कि नेचुरल लाइट में करें ताकि आपको पता चलता रहे कि आपने How deep you wanna go with the base? What? अगर आप यूनिवर्सिटी या कॉलेज गोइंग है तो आपको आई मेकअप की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। यू कैन ओनली यूज काजल, आई लाइनर और मस्कारा एंड दैट्स इट। बट अगर आप ऑफिस गोइंग है सो ये आप यूज कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जेनी माई लव, थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटिफुल आई शेडो पैलेट। लुक एट द कलर्स मैन, आई मेरी विंडो का रिफ्लेक्शन आ रहा है इसमें ज़्यादा, ये देख मतलब
व्हाट कलर्स एंड टोटली इट्स टोटली अ समर पैलेट. इसमें काफ़ी न्यूड शेड्स हैं. ब्रश भी है यार, मैंने ऐसे ही अपना ब्रश निकाला इसमें से. खैर आई एम यूजिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम. ये आपके सामने मैंने इसका ये टेप उतारा है और ब्यूटीफुल. थैंक यू सो मच. इसी तरह मुझे गिफ्ट भेजती रहो और हमारी वैनिटी को और हसीन बनाती रहो. थैंक यू सो मच माई लव. सो आई विल बी यूजिंग दिस ब्यूटीफुल डस्टी रोज कलर. सो कूल, क्योंकि हम डे मेकअप कर रहे हैं तो इसलिए वी हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक अबाउट कलर्स. यार इट्स यम्मी. ये तो मेरी स्किन में ही मैच हो गया यार. सो कूल. अब बहुत लाइट उसमें रहूंगी और अब मैं थोड़ा सा ये शिमरी रोज पिंक शेड है दिस वन आई यूज माय फिंगर. वाओ यार पिगमेंट अच्छा है इसका. वेरी नाइस. दैट्स इट. You don't need more. Can you see that? Very nice. यार बड़े अच्छे कलर्स हैं यार. अगर आपको न्यूड्स में रहना है तो इसमें बहुत सारे शेड्स हैं वो आप यूज कर सकते हैं. सो क्योंकि मेरा ड्रेस आई एम गोइंग टू वेयर पिंक बेबी पिंक सो आई विल गो विथ दिस कलर. तो जनाब नेक्स्ट आई विल यूज ब्लश ऑन. वन ऑफ माय फेवरेट ब्लश ऑन्स में से है जिसका नाम है ऑरी फ्लेम. ये वाला कलर जिसको मैं एक साइड से बिल्कुल खा पी गई हूँ बट आई स्टिल लव इट और मैं ये यूज करती हूँ. अगर आपको नेचुरल पिंक पिंकी पिंकी लुक में रहना है तो बहुत ही नेचुरल कलर है इसका. मुझे ज्यादा पसंद है तो मैंने थोड़ा सा ज्यादा थोप लिया है. अगर आप लोग कम पसंद करते हैं तो कम भी लगा सकते हैं. नाउ आई विल बी यूजिंग दिस हाईलाइटर. ये हाईलाइटर इसलिए यूज कर रही हूँ, मेरे पास काशीज का भी है, मेरे पास हुदा ब्यूटी का भी हाईलाइटर है. बट वो दोनों जो हैं आई वुड रिकमेंड मोर फॉर पार्टी मेकअप एंड लेस फॉर एवरी डे मेकअप लुक. सो ये इतना नेचुरल सा है कि इसमें देखें आप, आई विल बी यूजिंग माई फिंगर. बहुत पिंकी पिंकी सा और डे लाइट के हिसाब से बिल्कुल सेट बैठता है आपकी स्किन के ऊपर. बहुत ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अगर आपकी स्किन ऑलरेडी ऑयली है तो ये और ज़्यादा आपको चमकता हुआ लुक देगा जो कि सही नहीं लगेगा. जहाँ तक मेरी बात है, मैं गर्मी के मौसम में ज़रा काजल कम यूज़ करती हूँ क्योंकि इतनी तेज़ धूप में काजल लगा के तो वो यहाँ बह के चला जाता है. तो मुझे आई गो फॉर मस्कारा जो कि मेरा फेवरेट काशीज़ का मस्कारा है. आफ्टर डी एम जी एम मुझे कोई मस्कारा पसंद आया तो वो ये है काशीज का मैजिक वॉन्ड. यार चेक द डिफरेंस, आई लव इट. दिस इज सो मैजिकल. So good, and I am very very specific and very very, you know, you can say choosy about mascaras.
शक्ल ही बदल जाती बंदे की मस्कारा लगा के। टू गुड। आपने इतना अच्छा आई मेकअप किया हुआ हो, इतने अच्छा रेडी हुए हो, अगर आपका मस्कारा नहीं लगा हुआ तो यार। अच्छा मैं काजल नहीं लगाऊंगी पूरी आईज के ऊपर, जस्ट टू एनहांस माय फीचर्स। पता चलना चाहिए ना कि भाई यहाँ पे आंख है। That's it. ये है समर्स के लिए लिपस्टिक, और ये भी मुझे जैनी ने भेजी है। जैनी आई लव यू सो मच, इस तरह की चीजें भेजती रहा करो। कैन यू सी द स्टार्स ऑन इट, सो ब्यूटीफुल। और ये पक्का समर्स का ही कलर है। चेक द कलर यार, दिस इज सो गुड, इट स्मेल्स सो फ्रिकिंग गुड। ये अब पता नहीं पाकिस्तान में अवेलेबल है या नहीं है, बहरहाल टू गुड, आई लव इट। हमेशा की तरह मैं भूल गई जस्ट टू नीट माई आईब्राउज, सो अब ये माई एवर ग्रीन मिनीसो की आई ब्राउ पेंसिल। हर किसी का टेक्सचर जो होता है उस बंदे की हेयर ग्रोथ के अकॉर्डिंगली होता है, तो मेरी हेयर ग्रोथ जरा वो आप देख ही सकते हैं। तो आई डोंट गो फॉर ब्लैक, थिक ब्लैक वाइट आईब्राउज, सो आप अपने हिसाब से अपना कर सकते हैं। वैसे भी यार गर्मी में तो दिल जाता है कि बस कोई करीब ही ना है। या दैट्स एनफ फॉर मी। मेरी तो आई लैशेज इतनी छोटी चुन्नी चुन्नी सी हैं कि मैंने जब भी कोशिश की है मस्कारा नीचे वाली आई लैशेज पे लगाने का, वो कोई इतना फास्ट प्रोमिनेंट होता नहीं है, हो रहा है। अगर आपकी आई लैशेज बड़ी हैं तो आप नीचे भी मस्कारा लगा सकते हैं। तो जनाब हमारा मेकअप हो चुका है बिल्कुल डन, देखिए। और ऐसे बालों को समर्स में वैसे ही हैंडल करना बहुत मुश्किल है। सो अगर आप लोगों ने मेरी समर हेयर स्टाइल्स वाली वीडियो नहीं देखी है तो जल्दी से देख लीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक भी शेयर कर दूंगी अपनी उस वीडियो का। सो पसंद आएगी, और आप लोगों ने भी ये ज़रूर ट्राई करना है और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा रहा। मुझे ये लुक सूट करती है इतना, देखें मैंने बहुत कम मेकअप प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं और यू कैन सी के
कितना अच्छा लग रहा है अपने मुंह में मिठू। सो आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है कि आप लोगों को मेरी ये लुक कैसी लगी, और इसके अलावा वी आर नाउ लाइक अ फैमिली, सो यू गाइज कैन आस्क एनी थिंग। इफ़ यू हैव एनी सजेशन यू आर मोस्ट मोस्ट वेलकम। आइए कॉमेंट सेक्शन में मुझसे गुफ्तगू करिए, मुझे बताइए कोई सजेशन है, कोई क्वेश्चन है, आई वुड लव टू आंसर दैट। और बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ तक सपोर्ट करने का, आगे भी आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो होपफुली वुड बी कहने की मेहंदी की वीडियो। सो स्टे ट्यून्ड, ना बहुत ख्याल रखिएगा, लव यू ऑल, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड